इनडायरेक्ट टैक्स। चलें, आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है IDT, इनडायरेक्ट टैक्स। हम लोगों को तो ये अच्छी तरह मालूम है ना कि टैक्स प्रकार के नहीं होते, दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। जब हम लोग डायरेक्ट टैक्स स्टार्ट करते हैं तो भी यही कहानी स्टार्ट होती है, जब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स स्टार्ट करते हैं द स्टोरी इज सेम, द स्टोरी सेम, स्टोरी सेम है। क्या है इन टैक्सेस की कहानी के पीछे, आखिर गवर्नमेंट हमसे क्यों मांगती है टैक्स, क्या रीजन है कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स मांगे, क्या जरूरत है, क्या रोड बनवाने के लिए टैक्स लेगी, टोल चार्जेस किस लिए होता है फिर, अब मैं बोलू, हाँ बोलो, अब केवल रोड पे ही तुम लोग आओगे, रोड से बाहर नहीं निकलोगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस बनते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस बनते हैं, एक रुपए में तुम लोग को साल भर छः महीने भर पढ़ाया जाता है, दो ढाई रुपए में। कौन ऐसा टीचर है जो ढाई रुपए महीना लेगा और आपको सात सब्जेक्ट पढ़ाएगा, उसका खाना एक रोटी नहीं हो पाएगी, चाय नहीं पी पाएगा एक टाइम की। चलो दूसरा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, लाखों रुपए का खर्च होता है, आपसे लिया जाता है दो रुपए दस रुपए, दवाएं भी फ्री में दी जाती हैं, पैदा होते हो तो पोलियो का टीका भी फ्री में मिलता है, वैक्सीनेशन भी कई सारे फ्री के होते हैं, जो बड़ी बीमारियां होती हैं उनमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है आपको। आखिर गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो आएगा कहाँ से, गवर्नमेंट आपका इंश्योरेंस कर रही है, दस रुपये के पीछे आपको लाख रुपये का इंश्योरेंस दे रही है, कहाँ से कर रही है गवर्नमेंट, रेवेन्यू आएगी गवर्नमेंट के पास, ऐसा थोड़ी गवर्नमेंट का कोई बिजनेस चलता है, स्टील की फैक्ट्री लगा रखी है या एल्युमिनियम की फैक्ट्री लगा रखी है तो उससे गवर्नमेंट कमा करके देगी, ऐसा तो है नहीं। गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, जिस तरह हमारी फैमिली होती है, फैमिली मेंबर में जो कमाऊ होते हैं उनसे हम पैसा लेते हैं और पूरे घर पे खर्च करते हैं। बच्चा बोला पापा पापा टॉफ़ी ले आओ, कमाया तूने कुछ, ऐसा थोड़ी ना होता है, उसको टॉफ़ी देनी पड़ती है, हाँ या ना, वही चीज़ यहाँ पर भी। गवर्नमेंट हमारे मम्मी पापा है, माई बाप हैं, वो हमसे क्या लेते हैं, कमाई का हिस्सा, टैक्स, और फिर सारे लोगों पर खर्च करते हैं। आपकी आर्मी पर, बॉर्डर पर खर्च हो रहे हैं लाखों करोड़ों रुपये, कहाँ से जाएगा वो, हम ही लोगों के जेब से जाएगा टैक्स के नाम पे। तुम तो डेली खूब टैक्स देती हो, दिन भर में टैक्स ही टैक्स देती हो, कि कभी टैक्स दी भी हो, तुमने कभी टैक्स दिया है, तुम देते हो टैक्स, हाँ डेली टैक्स देती, यहाँ तो काय हो, देखो पेन में हाथ में है, पेन में क्या टैक्स नहीं लगा है, करी नहीं, पेन पे टैक्स नहीं लगा है, तुमने कपड़े पहने हुए, तुमने तो कपड़े पहने, क्या टैक्स नहीं लगा है उस पर, कॉपी रखे हो क्या टैक्स नहीं लगा है, जूते पहने हो ना टैक्स लगा है, हर चीज पर टैक्स लगा है, और वो टैक्स गवर्नमेंट वसूलती है। जब आप लेने जाते हो लिखा होता है MRP ₹50, आगे इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो हमको यही तो समझना है, व्हाट आर टैक्सेस, टैक्सेस हैं क्या, देखो ना हमने दिन भर में गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, इवन भिखारी भी टैक्स पे करता है, नहीं पे करता, उसको कुछ खाना पीना होगा, फर्स्ट दे आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, उसके बिना उसका काम नहीं चलने वाला। तो हमको कितने तरह के टैक्सेस पढ़ने हैं, दो तरह के, एक को हम कहेंगे डायरेक्ट और एक को हम कहेंगे इनडायरेक्ट। मोबाइल बंद, एक को हम कहेंगे डायरेक्ट और दूसरे को कहेंगे इनडायरेक्ट। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट की, सर छोड़िए ना, पढ़ चुके हैं, अब डायरेक्ट के बारे में ना बताइए। हाँ इतना जरूर जानो कि अगर डायरेक्ट टैक्स का मतलब, अगर मैंने आपके ऊपर कोई टैक्स चार्ज किया, देन पर्सनली यू आर लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स, यू आर नॉट कैपेबल टू शिफ्ट द बर्डन ऑफ टैक्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर मेरे ऊपर टैक्स लगाया गया, देन आई हैव टू पे इट आउट फ्रॉम माय ओन पॉकेट, मुझे अपनी जेब से टैक्स देना पड़ेगा, दिस इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जिसके ऊपर लगाओ डंडा तुमको मारेंगे, चोट बगल वाले को लगेगी, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट हिट करना, क्या डायरेक्ट हिट करना, तो वही चीज है। अगर मैंने आपको डंडा मारा तो चोट आप ही को लगेगी,
तो डायरेक्ट टैक्स उसी का हिस्सा है, और इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्ट फ्रॉम वन पर्सन टू एनदर, बर्डन एक बंदे से दूसरे बंदे को शिफ्ट किया जा सकता है। थैंक यू बाबू। बर्डन एक बंदे से दूसरे बंदे को शिफ्ट किया जा सकता है। मैंने तुम्हारे ऊपर 10 रुपए का टैक्स लगाया, क्या तुम ट्रांसफर कर दोगे दूसरे के ऊपर? हाँ। तुम्हारे ऊपर इसने चार्ज किया, क्या ट्रांसफर कर दोगे? हाँ। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हम लोगों को केवल इनकम टैक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? वो तो हम लोग पढ़ चुके, कोई दिक्कत नहीं आई। इनकम टैक्स जिसके ऊपर, ये डायरेक्ट टैक्स होता है, जिसके ऊपर चार्ज किया जाता है उसी से वसूला भी जाता है, और वो इस बर्डन को शिफ्ट भी नहीं कर सकता। सर कैसे? वो भी थोड़ी देर बाद देखेंगे। हमको अगर ये समझ में आ जाए टैक्स बर्डन कैसे शिफ्ट होता है, तो पता चल जाएगा टैक्स बर्डन कैसे शिफ्ट नहीं होता, तो हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स में देखेंगे। तो सर इसका मतलब इसमें कौन कौन से टैक्सेस पढ़ने हैं? इसमें आपके दो तरह के टैक्सेस लगते हैं। अच्छा सर, इनकम टैक्स पर्सनल टैक्स होता है, कौन सा टैक्स होता है? और ये पर्सन पर चार्ज किया जाता है, किस पर? और इनडायरेक्ट टैक्स इम्पर्सनल नेचर का होता है, और ये गुड्स और सर्विसेज पर चार्ज किया जाता है, नॉट ऑन पर्सन। बेसिकली द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टू बी चार्ज ऑन गुड्स, ऑन प्रोडक्ट्स और ऑन सर्विसेज। सर जो प्रोडक्ट पर चार्ज किया जाता है उसमें एक होता है आपका सर्विस टैक्स। अच्छा अच्छा नहीं होता, हाँ तो एक्साइज ड्यूटी होती है ना? सर्विस टैक्स तो सर यहां पर होता है, पक्का? अच्छा, एक्साइज ड्यूटी के बाद, अच्छा अच्छा कस्टम ड्यूटी और वैट, वैल्यू एडेड टैक्स और सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, पक्का ना? ये टैक्सेस हैं। सर सर्विस टैक्स में केवल एक ही टैक्स, सर्विस टैक्स? हाँ जी, केवल एक टैक्स जिसका नाम है सर्विस टैक्स। तो इन टोटालिटी देयर आर 5 इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इन्हीं 5 के बारे में हमको स्टडी भी करनी है। नहीं करनी? बहुत टफ होता है, ऐसे ही बोल रहा हूँ, बहुत टफ होता है, मतलब बहुत आसान होता है। जब तुम लोग रिवीजन करने बैठोगे, हार्डली इट विल टेक 15 मिनट्स टू रिवाइज इट कंप्लीटली। जब इसको पढ़ने बैठोगे तो 10 to 15 मिनट्स हार्डली, इसको पढ़ने बैठोगे तो 5 मिनट, इसको पढ़ने बैठोगे तो 5 मिनट, इसको पढ़ने बैठोगे तो आधा घंटा। सबसे ज्यादा तो थोड़ा ये रूल आता है, अदरवाइज नहीं। यानी टोटल इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हम रिवीजन करने बैठे तो हार्डली इट विल टेक 2 to 3 आवर्स, और पूरे मार्क्स मिलते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, टफ नहीं आते, लेकिन ब्लड प्रेशर ये बढ़ाता है। जब तक प्रोविजन दिमाग में सिस्टमेटिक वे में नहीं जाते तब तक ब्लड प्रेशर हाई रहता है, और डर तो मार्केट में है ही, इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ भाई मजाक नहीं कर रहे, डर लगा रहता है। सर हमें जरा ये बताइए कि हम लोग बार बार नाम सुन रहे हैं जीएसटी, ये जीएसटी क्या है? ये जीएसटी, इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना? क्या नाम है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जिस दिन ये पास हो गया बेटा, तुम लोगों को इससे 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 और इससे निजात मिल जाएगी। After launching of GST, you are required to do the study of only these two taxes. The first one is goods and service tax, and the second is custom duty. That's it. इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और burden कम हो जाएगा। केवल हम लोग को पढ़ने पर नहीं, जो businessmen हैं actually, they'll feel less burden over them. वो अपने ऊपर कम burden feel करेंगे। अभी तक हर डिपार्टमेंट को जवाबदेही होती है, एक्साइज ड्यूटी से नोटिस आ रहा है तो सर, कस्टम ड्यूटी से नोटिस आ रहा है तो वैट और सीएसटी, झंझट खत्म। सिंपली अब कुछ फॉर्म भरिए, अपना काम करिए, बिंदास होकर के काम करिए, चीजें महंगे होने के बजाय सस्ती होंगी। जो मल्टी स्टेज पर टैक्स लगता था वो शायद कुछ कम होगा, या आपको टैक्स की क्रेडिट मिलती रहेगी, जैसा इस समय होता है वैट वगैरह में, वो आएगा। स्टेट लेवल का अलग आएगा, नेशनल सेंट्रल लेवल का अलग आएगा, वो 3 तरह के टैक्सेस आएंगे जीएसटी में, वो देखा जाएगा। फिलहाल मैं हटा दूं इसको, क्लियर है?
अब हम बात करेंगे जीएस इनडायरेक्ट टैक्स की, और इनडायरेक्ट टैक्स में जो हम सबसे पहले पिक करते हैं टॉपिक वो है आपका वैट। इसके पीछे एक लॉजिक है, लॉजिक ये कि समझ में जल्दी आ जाता है, दूसरा खत्म बड़ी जल्दी हो जाता है, तीसरा कहीं फंसता नहीं है, लोचा नहीं है, मतलब कहने का टिटिम्बा नहीं है कहीं पर, प्रोविजन से ज़्यादा नहीं है। अगर ख़त्म होता है एक बर्डन कम होता है कि हमारा एक टैक्स एक एक्ट ख़त्म हो गया समय पर और जल्दी। दूसरा इसको करने से आपका सीएसटी बहुत आसान हो जाता है, उसके बाद हमें आपको एक्साइज समझाने में दिक्कत नहीं होती। तो जब सारी चीज़ें वैट पर बेस्ड है, मतलब वैट अगर कर लें तो मेरी चीज़ें सिस्टमेटिक रूप से दौड़ेंगी, तो वाई नॉट टू स्टार्ट विथ वैट। अगर हम एक्साइज स्टार्ट कर दे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लगेगा, लेकिन एक बार वैट और सीएसटी खत्म हो जाए तो बाकी सारे एक्ट हवा हवाई में खत्म होते चले जाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, वैट। और जो चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चीज आपको बताएगी कि हाउ इनडायरेक्ट टैक्स वर्क्स एंड हाउ अ पर्सन कैन शिफ्ट इट्स बर्डन ऑफ टैक्स फ्रॉम हिज टू द अदर वन। क्लियर, कैसे वो अपना बर्डन अपने से हटा करके दूसरे को शिफ्ट कर सकता है। देखना चाहते हो नहीं देखना चाहते हो, जो डायरेक्ट टैक्स की मैंने कहा ये डायरेक्ट हिट करता है, अगर मैंने आपके ऊपर चार्ज किया है देन यू आर रिक्वायर्ड टू पे इट पर्सनली आउट फ्रॉम योर ओन पॉकेट, यू कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन ऑफ टैक्स फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर वन पर्सन, डायरेक्टली यू हैव टू पे, एंड इट इज द नेचर ऑफ डायरेक्ट टैक्स और पर्सनल टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में कहा कि आप शिफ्ट कर सकते हो, इसका मतलब कुछ ऐसा है, ये मैन्युफैक्चरर है, ये कौन है मैन्युफैक्चरर। हम वैट की बात बाद में करेंगे, थोड़ा एक एग्जांपल लेकर पहले क्लियर कर दें, हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्यों बैग लेकर बैठना अच्छा है जब मन किया भाग जाओ, अरे बैग रखना नीचे बैग नीचे रखो आराम से, नीचे मतलब कहीं भी रखो ठीक है, अब ठीक है ईजी है तुम्हें नहीं हटा दो पैर ऊपर रख दो मेरे लाल, हाँ ईजी हो करके बैठो, कोई भागना नहीं ना है, जल्दी जल्दी पढ़ाइए सर जल्दी जल्दी। देखो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, मैन्युफैक्चरर की। मैन्युफैक्चरर होता है चेन में, वो होलसेलर को सामान ट्रांसफर करता है, नॉर्मली होलसेलर रिटेलर को और रिटेलर कस्टमर को, पक्का ना। चलो इसने कुछ सामान खरीदा परचेज किया और कॉस्ट इन्वॉल्व की, वेजेस वगैरह की, टोटल इसके लिए कॉस्ट और परचेज कॉस्ट मिलाकर आया सामान का दाम कितना, 60 रुपए। इन टोटल इसने मटेरियल लेबर ओवरहेड डेप्रिसिएशन सब जोड़ करके अपना हिसाब निकाला तो टोटल कॉस्ट कितनी आई, 60। इसमें क्या ऐड करेगा ये, अरे बोलना क्या ऐड करेगा, हाँ या ना, कितना आ जाएगा मान लेते हैं, इतना आता है हमें 200, टोटल क्या आ गया ये सेल प्राइस, पक्का ना। टैक्स लग गया इसके ऊपर, मान लेते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, पहले इसका नाम था सेल्स टैक्स, पहले इसका नाम क्या था, सेल टैक्स को हटाकर वैट किया गया, तो हम फिलहाल वैट को हटाकर सेल्स टैक्स कर देते हैं, मान लेते हैं 10% के हिसाब से, बताओ कितना टैक्स, 10 रुपए, कितना हो गया 110, हाँ या ना। इसको हम कहते हैं, इसे कहते हैं हॉप हिप हॉप, बोलो क्या कहते हैं, बोलोगे क्या कहते हैं, अरे बोल, इसको कहते हैं इनवॉइस प्राइस। सर इनवॉइस तो आज तक हम लोगों ने देखा नहीं, कभी देखा है इनवॉइस, नहीं देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं हॉट एंड स्पाइसी कॉर्नर कुछ खाया होगा मैंने टोटल बिल लिखा है 60 रुपीज, कितने का ये बिल है, जो नेट हमने उसको 60 रुपए दिया होगा ना वो कितना मांगा होगा, सबसे नीचे वाला अमाउंट उसको हम क्या नाम देंगे इनवॉइस, ये पूरा इनवॉइस है एक तरह से, और इसके ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है 10 रुपए और 50 रुपए ऊपर लिखा हुआ है 50, दो मिनट के लिए मान लो 10 और 60,
ये इनवॉइस प्राइस है, 10 रुपए का टैक्स है और ये 50 सेल्स प्राइस। उसने हमसे कितना मांगा होगा, 50 या 60? इनवॉइस प्राइस ना। उसने हमसे क्या डिमांड की, इनवॉइस प्राइस की। क्लियर है, पक्का ना? ये हमारा इनवॉइस प्राइस है, ये हमारा सेल्स प्राइस है। इसने 110 में किसको सामान बेचा होगा, होलसेलर ने कितने में खरीदा, होलसेलर ने कितने में खरीदा, 110। तो उसके लिए परचेस कॉस्ट हो गई 110। सच सच बताना, टैक्स किसने बर्दाश्त किया, मैन्युफैक्चरर ने या होलसेलर ने? और ऐसे कैसे होलसेलर ने, टैक्स का पेमेंट किसने किया होगा गवर्नमेंट को, मैन्युफैक्चरर? गवर्नमेंट किससे 10 रुपए मांगेगी, मैन्युफैक्चरर। तो टैक्स लाइबिलिटी आ गई 10 रुपए की, एंड पेड बाय मैन्युफैक्चरर कितना, 10 रुपए। नेट लाइबिलिटी कितनी बनी, 0। 10 का 10 पेमेंट कर दिया, बात हो गई खत्म। अब बताओ टैक्स का बर्डन किसके ऊपर पड़ा, मैन्युफैक्चरर या होलसेलर? किसके ऊपर? कैसे? क्योंकि मांग लिया उसने, पूरा 110 रुपए मांग लिए, पूरे 110। तो 110 में 10 रुपए इसका भी तो शामिल था। बर्दाश्त कौन किया, होलसेलर। बर्दाश्त कौन किया, होलसेलर। अब होलसेलर ने 40 रुपए और ऐड कर लिए किस चीज के, इसने सामान बेचा कितने में, लेकिन गवर्नमेंट कहेगी ना टैक्स लाओ, कितना परसेंट, कितना हो जाएगा, पक्की बात है हाँ या ना? गवर्नमेंट कितना मांगेगी इससे, 15, और ये गवर्नमेंट को दे देगा 15, लेकिन वसूलेगा किससे? आखिर होलसेलर ने किसको माल बेचा होगा, रिटेलर को। ओ, यानी रिटेलर ने बर्दाश्त किया 15 रुपए। इस 10 रुपए को किसने बर्दाश्त किया था, और इस 15 रुपए को कौन बर्दाश्त कर रहा है? इतनी मार खाओगे तुम लोग, अरे इंसानों, टोटल 165 का पेमेंट कर रहा है, टोटल 25 रुपए ये बर्दाश्त किया। हाँ, ऐसे कैसे, टोटल 25 रुपए बर्दाश्त किया बेचारे रिटेलर ने, कैसे बता सकते हो? देखो, इस 165 में शामिल है 60, इस 165 में शामिल है 40, इस 165 में शामिल है 10, तब टोटल बना 110। इस 165 में शामिल है 40 और इस 165 में शामिल है 15। देखो तो टोटल 165 आया, सारा पेमेंट किया इसने अकेले, और टोटल 25 रुपए का पेमेंट किया टैक्स का, जो इन लोगों ने पेमेंट किया। यानी इनडायरेक्टली होलसेलर ने कितना बर्दाश्त किया, होलसेलर ने कितना बर्दाश्त किया, मैन्युफैक्चरर ने और रिटेलर ने 25 अपनी जेब से दिया, उसने दिया या नहीं दिया? चलो, अब इसने भी 35 रुपए जोड़ दिया प्रॉफिट का, तो टोटल सामान कितने का, टैक्स कितना लग गया, और इसने कितने में बेचा रही कस्टमर को? अब कस्टमर है कि खा लेगा पिज्जा, नहीं समझे, खा लिया उसने, अब वो कहां से वसूल कर पाएगा? अब तो उसके पास वसूली करने का कोई रास्ता नहीं। बताओ कस्टमर ने कितना बर्दाश्त किया टैक्स? जी हाँ, टोटल सर, ये 10 रुपए भी, वो 15 रुपए भी, और ये नया वाला 20 रुपए भी, टोटल टैक्स ये जो बर्दाश्त किया अकेले कस्टमर ने बर्दाश्त किया। और तुम लोग देखो तो आउट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स पॉकेट टोटल टैक्स गोज आउट 0, टोटल टैक्स आउटफ्लो 0, टोटल टैक्स आउटफ्लो 0, 100% ऑफ द टैक्स इज बॉर्न बाय रिटेलर, सॉरी कस्टमर, सॉरी कस्टमर, 100% ऑफ द टैक्स इज टू बी बॉर्न बाय कस्टमर इटसेल्फ, एंड 100% ऑफ द टैक्स बर्डन वॉज शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जिसको जिसको बेचते जाओ वो यू टैक्स का बर्डन बर्दाश्त कर रहा है, और लास्टली जिस आदमी ने उसको कंज्यूम कर लिया उसकी जेब पर भारी पड़ा। तुमने पेन खरीद ली, ये तुम्हारी जेब से गया टैक्स, तुम किसी से वसूल कर पाओगी, नहीं कर पाओगी। मैंने पेन खरीद ली, क्या मैं अब किसी से वसूल कर पाऊंगा, नहीं। क्लियर है, इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन। हटा सकते हैं इसको, फिलहाल अभी कोई मतलब नहीं है, हटा सकते हैं, क्यों हटाएं? यहां तक क्लियर है, हम लोग ये टैक्स बर्डन की बात इस सेंस में करते हैं। अब आते हैं वापस, स्टोरी शुरू करते हैं हम लोग वैट की। ये उन दिनों की बात है
जब बैट नाम की कोई चिड़िया नहीं थी। उस समय हम लोग जो टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते थे वो दो तरह से होते थे, प्रोडक्ट्स पे और सर्विसेज पे। जो प्रोडक्ट्स पे होता था उसमें पहला होता था स्टेट सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी नहीं ड्यूटी ड्यूटी ये कौन सा ड्यूटी होता है, सर्विस पर कौन सा टैक्स लगता है, सर्विस टैक्स। अगर अब हमें बताओ तो सर हम तो ये तुरंत बता देंगे ये सर्विसेज पर लगता है, हम लोग बड़े तेज आदमी हैं। सर हम लोग ना ये भी बता देंगे ये दोनों सेल्स पर लगता है, हाँ या ना, ये भी सेल्स पर लगता है, ये और ये किस पर लगता है, एक्साइज ड्यूटी हमारा मैन्युफैक्चर करने पर लगता है और कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने पर लगता है। अगर आप सामान देश के बाहर बेचोगे या सामान विदेश से देश के अंदर ले आओगे तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहलाता है, क्लियर है। इसको हम कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, इसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी, और दोनों को कॉमनली एक नाम से जाना जाता है कस्टम ड्यूटी। ये दो टैक्सेस थे सेल्स पर लगते थे और आज भी लगते हैं लेकिन नाम थोड़ा चेंज हो गया। सर ये किस तरह की सेल्स पर लगता है, नाम है स्टेट सेल्स टैक्स। अगर कोई सामान दिल्ली से दिल्ली में ही बेचा जाए, अगर कोई सामान दिल्ली से दिल्ली में ही बेचा जाए विद इन द स्टेट, उस पर लगेगा स्टेट सेल्स टैक्स। हाँ नहीं सुन लो, और अगर आपने दिल्ली से गाजियाबाद, दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से गाजियाबाद, गुड़गांव से दिल्ली, देखो दो स्टेट आ गए, दो स्टेट आ रहे हैं दिल्ली से गुड़गांव, दो अलग अलग स्टेट हैं, दिल्ली से गाजियाबाद दो अलग अलग स्टेट्स हैं, इनके बीच में अगर सेल और परचेज होगी तो वहां सीएसटी आएगी। क्या आएगी, यानी दो स्टेट जहां पर सेल और परचेज में इन्वॉल्व हो गए वहां सेंट्रल सेल्स टैक्स, और जहां पर एक ही स्टेट में माल खरीदा और बेचा जाए स्टेट सेल्स टैक्स, हाँ या ना, इसको हम कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल्स, इसको हम कहते हैं इंटर स्टेट सेल्स, शॉर्ट में कह सकते हैं विद इन स्टेट, हाँ या ना, ये कह सकते हैं आउटसाइड द स्टेट, पक्का। सर ये चीज समझ में आ गई, प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी और तुम लोग को सामने नजर आ रही होगी, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं तो पहले नोट कर लो, जितना मैंने नोट किया उसको नोट कर लो।
हम इनकी बात बिल्कुल नहीं करने वाले आज, पक्का। हम केवल किसकी बात करेंगे? वैट एंड सीएसटी, सॉरी सेल्स टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स। पहले यही दो होते थे, पहले वैट नहीं था, पहले ये दो थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई वैट में? फिर से इस एग्जांपल को दोबारा बताएं या इसी पर ही काम चलाएं? दोबारा बना देते हैं ना, थोड़ा और अब क्लियर होगा। क्यों? सेम यही एग्जांपल फिर से पिक करते हैं हम लोग। मैन्युफैक्चरर के बाद कौन था? और बस ना, ढंग से देखना। मैन्युफैक्चरर ने सामान कितने में खरीदा था? और पक्का ना? मैंने कहा 10% का टैक्स है, ढंग से सुनना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 10% का टैक्स है। आप लोगों ने भी कहा बिल्कुल सही है सर, 10% का टैक्स है। किस पर? किस पर? सेल प्राइस पे। ऐसे ना बोलो ना मेरे लाल, ये नहीं बोल सकते हो कि 60 पर 10% कितना होता है और 40 का 10%। वो तो क्या 10 बात तो हुई, बोल सकते हो ना कि जो हमने होलसेलर से टैक्स लिया वो इन दोनों कंपोनेंट पर लिया, टोटल में 100 पर 10 बोल सकते हो, दैट इज इजी टू से। बट इन टोटैलिटी वी पेड द अमाउंट ऑफ टैक्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ कॉस्ट बट ऑल्सो ऑन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इज इट क्लियर नाउ? कि हमने जो 10 रुपए का टैक्स दिया है वो केवल कॉस्ट पर नहीं दिया है, प्रॉफिट के भी हिस्से पर दिया। सोचो प्रॉफिट पर भी टैक्स। अच्छा जी, तो हमने ये टैक्स दे दिया। यानी होलसेलर ने टोटल पेमेंट कितना किया है बता सकते हो? टोटल मिलाकर कितना? और इस 110 में क्या क्या शामिल हुआ होगा ये बता सकते हो? 60 प्लस 40 प्लस 10, इसको हम अंडरलाइन कर ले, इसका मतलब टैक्स था। अच्छा, इसने फिर कितना जोड़ा था? कितना हो गया टोटल? कितना आया? 165। इसने 165 का टोटल लिया किससे? और रिटेलर ने पेमेंट किया, जरा ढंग से बताना क्या क्या पेमेंट किया होगा। ये तो पेमेंट किया ही इसने 60 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 50। हाँ या ना? पक्की बात है? नहीं है। इसने जोड़ा प्रॉफिट कितना, कितना हो गया? कुछ ऐसे ही आगे बढ़ा था। इस पूरे टॉपिक में प्रॉब्लम दो जगह आई। सर 220 कस्टमर ने पेमेंट किया और उसने क्या क्या पेमेंट किया होगा जरा वो भी लिख लो। कस्टमर ने पेमेंट किया होगा 60 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 15 प्लस 35 प्लस टैक्स। टोटल टैक्स कस्टमर ने कितना पेमेंट किया? दिख रहा है ना? आया ना? तुम लोगों को केवल एक ही चीज नजर आएगी अगर मैं प्रॉब्लम की बात बोलूं तो। तुम लोगों को मैं बोलूं वो प्रॉब्लम निकालो, क्या दिख रही है सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या दिख रही है? ना 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 ना। अब मेरी बात ढंग से सुनो। ये जो 10 रुपया जा चुका है किस पर गया है? 60 पर गया है, 40 पर गया है, हाँ या ना? ये जो 15 रुपए गया है ये इन सब पर गया है, 6 रुपए, 4 रुपए, 1 रुपए। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो? नहीं तो सोचो, सुनो इधर,
₹6 4 एक बार पेमेंट हो चुका है, हो चुका है, दोबारा पेमेंट हो रहा है एक ही अमाउंट दो बार। किसने बर्दाश्त किया बेटा? दो बार नहीं बर्दाश्त किया, तीसरी बार इधर है। ₹6 4 1 रुपये 4 रुपये 1.5 रुपये टोटल करो तो देखो आ जाएगा। जो ₹6 4 यहां पेमेंट हुआ वही ₹6 4 यहां पेमेंट हुआ वही ₹6 4 तीन बार पेमेंट कर रहे, एक बार नहीं। अगर चेन और लंबी चलाओगे और आ जाएगा, नहीं समझे? तो तुम लोग कहते हो ऑनलाइन शॉपिंग करने से सामान सस्ता मिलता है। क्यों सस्ता मिलता है? क्योंकि बीच की कड़ियां क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। अब समझ में आई बात? जब बीच के लोग खत्म हो जाएंगे, अगर इन दोनों को हटा दो तो 110 में सामान मिल जाएगा सीधे कस्टमर को। अगर इन दोनों को गायब कर दो तो जो सामान तुम्हें 110 पे मिल रहा है 220 में वो तुम्हें जस्ट 50% पर मिलेगा, क्योंकि बीच की कड़ियां क्या हो गई? खत्म हो गई। क्लियर है? जितनी चेन लंबी चलती जाएगी ये बार 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 पेमेंट होता था, हो रहा था नहीं हो रहा था, दिख रहा है नहीं दिख रहा? यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सेल्स टैक्स की कि द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स इज टू बी बॉर्न बाय द कस्टमर, अल्टीमेटली कस्टमर, इन सो मेनी टाइम्स द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम एक और जो तुम लोग देख नहीं पा रहे वो ये कि इस ₹10 पर टैक्स लग गया कितना? आई दा दा, टैक्स तो समझ में आ रहा था, टैक्स पर क्या टैक्स समझ में आ रहा था, लेकिन टैक्स पर टैक्स समझ में नहीं आ रहा। ये कौन सा टैक्स होता है? ये कौन सा टैक्स आप मांग रहे? अरे मारो गोली टैक्स पर टैक्स की। इस अमाउंट ऑफ टैक्स पर दोबारा टैक्स चला गया, वो भी मारो गोली। इस ₹15 पर, इस ₹15 पर जो 1.5 गया है उस ₹11 पर भी फिर टैक्स के ऊपर टैक्स, ₹1.10 इसमें शामिल होगा। कितनी बार टैक्स? प्रॉब्लम है ना, कितनी प्रॉब्लम है? तो पहली प्रॉब्लम है so many times we are required to pay the amount of tax whatever we have already paid, एक amount of tax जो already pay हो चुका है सरकार को वो बार 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 जितनी बार chain बढ़ती जा रही है उतनी बार सरकार के पास tax जा रहा है। That was the main disadvantages of state level tax यानी sales tax, and the second disadvantage was tax के ऊपर tax जिसको हम लोग नाम देते हैं डबल टैक्सेशन। तो बोलते ही हो, क्या डबल टैक्स लग रहा है? तीन बार लग सकता है, चार बार लग सकता है, पांच बार लग सकता है, जितनी बार टैक्स उतनी बार आ रहा है। जितनी बार चेन बनेगी उतनी बार टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। और इसको डबल टैक्स, ट्रिपल टैक्स और 10 times टैक्स नहीं बोलेंगे, इसको एक नाम देते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? कैस्केडिंग इफेक्ट, जिसका मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। तो दो प्रॉब्लम थी हमारे सामने। कितनी प्रॉब्लम्स आई? पहली टैक्स कई बार जा रहा है, वही अमाउंट ऑफ टैक्स। दूसरी प्रॉब्लम टैक्स ऑन टैक्स विच आर टू बी नोन एज कैस्केडिंग इफेक्ट। हमें इन दोनों को हटाना है। क्या करना है? कोई चीज गलत चली आ रही है 50 साल से तो कंटिन्यू करने दें, कोई प्रथा कोई कस्टम गलत चली आ रही है तो उसको कंटिन्यू करने दें। बोलो ना, चेंज करो ना, थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ी तकलीफ होगी, बिकॉज वी हेट चेंज। किसका डायलॉग था? गुरुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन। हाँ, किस गुरुकुल कहाँ था? एक पिक्चर थी मोहब्बतें, हाँ जी, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन का डायलॉग था, वी हेट चेंज था कि नहीं? अरे हाँ, अमिताभ बच्चन ने बोला था। ये सेम टॉपिक सही सेट होता है इस कहानी पर।
जब 2001 और 2003 में बात चल रही थी वैट लाने का, अब आदत है लोगों की, बिजनेसमैन की, कई सालों से सेल्स टैक्स को चलाने की, और उसमें लोगों को अच्छा खासा टैक्स बच जाता था, चोरी करने की पूरी चांसेस थी, टैक्स इवेजन करना। लेकिन इन टोटलिटी अगर ब्लैक मार्केटिंग और वाइट मार्केट साथ में चल रहे हैं, पैरेलल इकोनॉमीज़ हैं दोनों, तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी, ब्लैक को भी किस में कन्वर्ट करो, वाइट में कन्वर्ट करो, और वैट उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम वैट लगाएंगे, और वैट लगाना पर्पज़ नहीं था, पर्पज़ क्या था गवर्नमेंट का कि सेल्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों को मिलाकर के एक बनाओ, क्या बनाओ, और ये दो प्रॉब्लम खत्म करो, दोनों को मिलाकर एक बनाओ। जैसे सर्विस टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता, कोई हिस्सा नहीं होता सर्विस टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का है सारा कंट्रोल, किसका है, इनकम टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना देना है, बात समझना। कस्टम ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट से मतलब नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब है, स्टेट गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है। सेल्स टैक्स में ये लोचा क्यों है, आधा सेल्स स्टेट गवर्नमेंट का, आधा सेल्स सेंट्रल, प्रॉब्लम है ना भाई, ये हटाओ सारी चीजें इकट्ठी ले आओ, ये जो सेंट्रल और स्टेट का लड़ाई चल रहा है पहले तो इसको हटाओ, और ये दो प्रॉब्लम खत्म करो, और ये दो प्रॉब्लम तब खत्म होंगी जब पूरे हिंदुस्तान का एक नक्शा बन जाए, मतलब एक जैसा टैक्स लगे, तभी ये पॉसिबल भी है। तो गवर्नमेंट ने कहा हम दोनों को हटाएंगे और वैट ले आएंगे, जिसका नाम होगा वैल्यू एडेड टैक्स, जिसका नाम होगा वैल्यू एडेड टैक्स। जो आप टैक्स बार 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 दे रहे हो ना, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे ओवर हेयर, आपको यहां पर बार बार सेम अमाउंट ऑफ टैक्स बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। जो ये आप छह चार लगा रखे हो ना, इसको हटा देंगे, और दूसरा जो आप ये टैक्स के ऊपर टैक्स की बात कर रहे हो ना, उनको भी हम डिलीट करेंगे, यानी कास्केडिंग इफेक्ट को भी दूर करना है। यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, कास्केडिंग इफेक्ट एंड टैक्स ऑन टैक्स, ये दो बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस थे हमारे स्टेट गवर्नमेंट के सेल्स टैक्स में, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। तो गवर्नमेंट ने कहा क्या करें, क्या करें, क्या करें, हटाएं दोनों को और एक सेल्स टैक्स का सिस्टम ले आएं, और इन दोनों को जब हटाएंगे तो हम केवल ये कहेंगे कि जो वैल्यू एडिशन होती है ना, केवल उस पर टैक्स लगना चाहिए, वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगना चाहिए। हाँ, जो जितनी वैल्यू एडिशन करेगा उस पर टैक्स लगाएगा, क्योंकि जो ऑलरेडी परचेस किया वो तो टैक्स पे करके परचेस किया है, बात समझना, हाँ या ना, पक्की बात है ना। तो हमें केवल वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगाना है, सेल करो जितनी बार करो, लेकिन हमें हमेशा टैक्स कितने पर मिलना चाहिए, जो नेक्स्ट चेन में वैल्यू एडिशन हुई उस पर टैक्स मिले, जो नेक्स्ट चेन में वैल्यू एडिशन हुई उस पर टैक्स मिले। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वैल्यू एडेड टैक्स या वैल्यू एडिशन टैक्स। तो वैट लाने की सरकार फिराक में थी, लेकिन इससे पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मच गया। क्या मच गया, छोटा मोटा नहीं, लोग मशाल जुलूस निकालने लगे दिन में भी पता नहीं चल रहा था जला हुआ है बुझा हुआ है, सही की बात बता रहा हूं। स्टेट गवर्नमेंट डर गई, स्टेट गवर्नमेंट इसलिए डर गई क्योंकि उसको लगा उसके अधिकार मारे जा रहे हैं, किसी के अधिकार छीनोगे तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, गलत लगेगा ना, वही था, अधिकार छीन रहे हैं। अभी तक आपका स्टेट है, आप टैक्स लगाते हो, कॉपी पर इतना टैक्स लगाएंगे, किताब पर इतना टैक्स लगाएंगे, पेन पर इतना, फर्नीचर पर इतना, हर चीज पर अलग अलग, स्टेट गवर्नमेंट कैन डिसाइड। लेकिन अब वैट आने के बाद वो किसके हाथ में चला जाएगा, अब बताओ कैसे, गलत लगेगा। तुरंत स्टेट गवर्नमेंट ने विरोध कर दिया सारे, उन लोगों ने कहा नहीं 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 आने देंगे, इससे ना एसएससी को बहुत नुकसान होगा, जो बिजनेसमैन से नुकसान होगा, रेट बढ़ जाएंगे मार्केट में। अरे ऐसे कैसे बढ़ जाएंगे मार्केट में, हम तो खुद ही हटाना चाह रहे हैं 10-10 रुपए जो एक्स्ट्रा बार बार लग रहा है, रेट बढ़ेंगे या घटेंगे, घटेंगे पहली चीज तो ये समझ लो। लेकिन मार्केट में ये बोला गया, नेता लोग आ गए, उनको मालूम नहीं टैक्स क्या होता है, लेकिन आ गए, अरे मजाक नहीं कर रहे, भाषण दे रहे टैक्स रेट बढ़ जाएगा, फलाना बढ़ जाएगा, और अगले दिन से दुकानदार, अभी वैट लगा नहीं था, दुकानदार से कॉपी लेनी है, MRP 40 रुपये 45 दे दो, क्यों भाई वैट लग रहा है, अरे लगा कहाँ है वैट, अरे ऐसी जमाखोरी, ऐसे लोग आ गए थे मार्केट में और ले रहे थे और लोग दे रहे थे कोई विरोध क्या भाई, और मशाल जुलूस दिन भर निकल रहे थे पूरे सड़कों पर, वो अल्लाह हंगामा, हर शहर की बात बता रहे,
क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बात गई कि अगर वैट सिस्टम आया तो हमारे अधिकार छिन जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पहले, और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर से हम लोग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनेगा, हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। और मन में एक जोर था कि हमारी ब्लैक मनी का क्या होगा, नहीं समझे, विरोध हो गया, लेकिन उसका फ़ायदा किसी ने नहीं देखा उस समय। फिलहाल समझाने समझाने में टाइम लगा, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम अब एक काम करते हैं, तुम लोग मानोगे नहीं ऐसे, मेरा पर्पस वैट लाने का नहीं है, मेरा पर्पस जिस दिन वैट आ गया इसमें सर्विस टैक्स जोड़ देंगे, जीएसटी अपने आप हो जाएगा, क्योंकि दोनों मेरे कब्जे में रहेगा, वैट भी मेरे कब्जे में, सर्विस टैक्स भी मेरे कब्जे में, दोनों को हटा करके फिर क्या कर देंगे, जीएसटी ला देंगे, मेरे लिए इंप्लीमेंट करना ज्यादा आसान होगा। गवर्नमेंट 10 साल आगे का देख रही थी और लोग 10 साल पीछे उसको धकेल रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या आई, अब गवर्नमेंट के पास कोई चारा ना बचा लालू के सिवाय। गवर्नमेंट के पास कोई चारा बचा ही नहीं। गवर्नमेंट ने फिर एक नोटिस इशू किया, कहा ठीक है तुम लोग मानने वाले नहीं हो, नालायक हो, एक काम करो स्टेट वैट ले आओ, क्योंकि सेंट्रल लेवल का वैट लाने में तुम लोग आनाकानी कर रहे हो, नहीं मान रहे हो, तुम लोग क्या ले आओ, तुम लोग को लग रहा है कि तुम लोग को हम पैसा कम देंगे या तुम लोग का कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा या तुम लोग के अधिकार छिन जाएंगे और तुम लोग इंप्लीमेंट करने को तैयार नहीं हो, तो तुम लोग क्या ले आओ, स्टेट लेवल का वैट ले आओ। अब तो खुश, सब लोग दांत दिखा रही, हाँ खुश, अरे अब क्या दिक्कत है, अब स्टेट लेवल का वैट आ रहा है, लेकिन आप वैट ले आओ। ये जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी टैक्सेशन सिस्टम में, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो कई बार सो मेनी टाइम्स वी आर रिक्वायर्ड टू पे द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स, एंड द सेकेंड डिसएडवांटेज वॉज टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, कितना टैक्स उसको हटाओ। ये दो प्रॉब्लम हटाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम स्टेट लेवल का वैट ले आ रहे हैं, कित कौन सा ले आ रहे हैं, स्टेट लेवल का। अब आप लोग जैसे इंप्लीमेंट करना चाहते हो इंप्लीमेंट करो, लेकिन हां मोटा मोटी रूल ये रहेगा, एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करके दे दिया गवर्नमेंट को, सारे गवर्नमेंट को, ये लो अपना वैट का रूल, इस पे जो तुम्हें रेट बढ़ाने हैं घटाने हैं सबका सिस्टम एक जैसे, क्या तुमको अपने एसएससी को बेनिफिट देना है, तुम 4 साल में देना चाहते हो 400, तुम अपने एसएससी को मायावती होकर 8 साल में देना चाहती हो 8 साल, तुम जयललिता हो 9 साल में देना चाहते हो 9 साल, दे दो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने स्टेट को अपने हिसाब से संभालिए, लेकिन रूल सबके लिए एक जैसा, यानी अब ड्राफ्ट सबके लिए एक जैसा, तुम्हारे यहां का सेक्शन कुछ और तुम्हारे यहां का सेक्शन कुछ और, वो अब हमें समझ में नहीं आ रहा, मेरी बात समझना, सारे स्टेट में अब एक जैसे सेक्शंस और रूल्स लगेंगे। हाँ जो अंदर की बातें हैं, कोई 5%, कोई 2%, कोई 8%, कोई 8 साल, कोई 4 साल, कोई 3 साल, इसमें चेंज कर सकते हैं, उस पर आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर लो। अब क्लियर हुआ, अब आया स्टेट वैट। अब स्टेट वैट आ गया, गवर्नमेंट का पर्पस क्या था, स्टेट और सेंट्रल दोनों को, लेकिन अब जब स्टेट वैट आ गया तो गवर्नमेंट का सीएसटी खत्म हो जाएगा क्या, अरे बोलना नहीं, अब बेचारी सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार माना जाएगा, अगर वो खत्म कर देगी तो उसने कहा हम भी जिंदा रहेंगे, क्या करेंगे। और शुरू में जो टैक्स रेट था दैट वाज 4%, सीएसटी का रेट कितना था, गवर्नमेंट ने कहा हर साल हम 1-1% कम करेंगे और इसको कितने तक ले आएंगे, जीरो। और आज 10 साल बीत गए, चोट्टा आज भी 2% पर है, यानी सीएसटी आज भी कितने पर है, 2% पर है, खत्म नहीं हुआ खत्म, जबकि अब तक इसको क्या हो जाना चाहिए था, जीरो, नहीं माइनस में नहीं, जीरो तो हो ही जाना चाहिए था। इज इट क्लियर, अब क्लियर हुआ कंसेप्ट कि प्रॉब्लम क्या थी और कैसे ये वैट आया। हम लोग भी जाते थे लोगों को समझाने में, सेमिनार्स होते थे, वर्कशॉप होते थे, तो हम लोग जाते थे सारे बिजनेसमैन को बैठा करके, होटल वगैरह में जब सेमिनार होते थे जाते सबको समझाते, भाई वैट खराब चीज नहीं है, बात समझो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद शुरू, कोई बीच में एक बोल दिया, अरे भैया जाओ यहाँ से क्या जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे हो रहे, होता था। और बहुत मेहनत लगी वैट को आने में, फिलहाल आया तो सही, देर आए दुरुस्त है। और सबसे देर में आया, सबसे देर में अगर लागू हुआ तो यूपी में। सारे स्टेट ने 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2006, धीरे धीरे सारे स्टेट्स में लगना शुरू हो गया। कुछ लोग मान गए स्टेट वाइज, उन्होंने स्टेट वैट शुरू कर दिया। अब दूसरे स्टेट में सेल्स टैक्स लग रहा है, यहाँ स्टेट वैट लग रहा है, दोनों के रूल रेगुलेशन अलग हो गए, कंट्राडिक्ट करने लगे, मजबूरी में जो दूसरा स्टेट था उसको भी वैट में आना पड़ा, नहीं समझे, मजबूरी में, प्यार से तो मान ही नहीं रहे थे, चार ने शुरू किया तो पांचवा शुरू किया, अब क्या करें।
वहां से सामान आ रहा है तो दूसरा रूल, वहां से सामान आएगा तो दूसरा रूल, वहां से सामान आएगा तो दूसरा रूल, कितना रूल? तो उससे अच्छा भैया थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो उसको, नहीं समझे? सबसे लास्ट में यूपी में, सबके यहां 1 अप्रैल और यूपी में 1 जनवरी आएगा वो सिस्टम। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या है, आज तो केवल कहानी पूरी समझ लो कि होता क्या है डिटेल। यहां तक तो क्लियर है ना? तो अब इन दो चीजों को खत्म किया गया। सर ये आपने किस पर सॉल्व किया? ये मैंने सेल्स टैक्स के बेसिस पर सॉल्व किया था। किसके बेसिस पर? तो सर अगर आप इसी चीज को वैट पर सॉल्व करेंगे या इसी चीज को वैट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें इसी टॉपिक को, तो कैसे आप करेंगे? देखा जाए अगर इसी चीज को हम लोग किसके हिसाब से सॉल्व करें तो क्या सिस्टम रहेगा? परचेज प्लस कॉस्ट कितना, प्रॉफिट कितना लिया था इसने, ये क्या कौन सी प्राइस आ गई, कितना हो गया वैट, कितना परसेंट, कितना हो गया इनवॉइस प्राइस, कितना हो गया? क्लियर है पक्का? इसने दिया 110, वैट लाइबिलिटी कितने की थी, इसको कितना देना था गवर्नमेंट को, और टू पे कितना कर दिया, पक्का ना? नेट लाइबिलिटी कितनी बची, जीरो। आगे चलें, आप चल सकते हैं। प्रॉफिट इसने कितना लिया, टोटल कितना हुआ, टैक्स कितना लगेगा, आ आ आ आ गड़बड़ हो गया, जानते हो कहाँ? ना 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 ना, यहाँ पर दो चीजें शामिल हो गई, 100 और 10। और अगर 10 यहाँ शामिल होगा तो ऑटोमेटिकली इस पर फिर 1 रुपए का टैक्स लग जाएगा, टैक्स के ऊपर टैक्स। प्रॉब्लम आई? तो गवर्नमेंट ने कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे, जाओ हम इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, हम इसको कितना लिखेंगे, 100, कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे, और 10 रुपए कहीं कोने में लिख देंगे। ठीक, बात समझ रहा? अब बताओ ये कितना हो गया, अब कितना टैक्स लगेगा? क्या इस 10 के ऊपर टैक्स लगा? एक प्रॉब्लम हट गई। पहला पॉइंट जो समझने लायक है, द पोर्शन ऑफ टैक्स वुड नॉट बी ट्रीटेड एज आर पार्ट ऑफ कॉस्ट, टैक्स पोर्शन वुड नॉट बी क्लब्ड विद द पोर्शन ऑफ द कॉस्ट। आपको दोनों को अलग अलग दिखाना है, ये टैक्स का अमाउंट है, ये अदर देन टैक्स का अमाउंट है। हमने टोटल 110 पेमेंट किया, उसमें से 10 टैक्स का था, अलग कर दो, 100 को अलग कर दो। क्लियर है? अब क्या टैक्स के ऊपर टैक्स लगा? नहीं लगा। आगे बढ़े, अपने आप एक फायदा दिख गया जो समझ में आ जाएगा अभी। कितना टोटल हुआ, 1। हमें टैक्स कितना देना है टोटल? एक बात बताओ, ऑलरेडी कितना दे चुके हो, क्या दोबारा दे दें? दोबारा दे दें, क्या करें, कैसे 4 कैसे आएगा यहां, कितना माइनस कर दें, कौन सा 10 रुपए? अब समझ में आई बात? नहीं आई, आ गई। और जरा देखो तो 4 रुपए कितने पर टैक्स गया होगा, 40 पे, और 40 ही तो वैट था सीधे। सर आप ऐसे घुमा फिरा कर बात करते, आप ऐसे ही बोल दिए होते 40 का 10% 4 होता है, तो इसका मतलब यहां आना चाहिए 3.5 रुपए, यहां कितना आना चाहिए, आएगा आएगा, अरे आएगा या नहीं? वैल्यू एडिशन कितना है, 165 की चीज खरीदी, 200 में बेचा, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 35, तो 35 पर सीधा आ जाएगा 25.5। आने दो, वो दूसरी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ। यानी जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसी पर तो टैक्स लगेगा, कितना आना चाहिए, 3.5। देखा जाए कितना हो गया इसके लिए टैक्स, 154 में 140 अलग हो जाएगा, 14 टैक्स का अमाउंट अलग हो जाएगा। 154 में दो चीजें हो गई, टैक्स का अलग कर दो, साइड कर दो, 140 कॉस्ट का हिस्सा।
अच्छा इसने कितना जोड़ा था, कितना हो गया, टैक्स कितना लगेगा, कितना आ जाएगा, बोल ना, नहीं हाँ या ना, टोटल टैक्स देना कितना है, कितना दे चुके हैं, कितना आ गया। अरे ये तो जादू है, अपने आप ऐसा सोच रहे, जादू क्या है इसमें, जितना कोई वैल्यू एडिशन कर रहा है उतने पर टैक्स। फर्स्ट टाइम तो पूरा वैल्यू एडिशन था, तो पूरे 100 पर 10, दूसरी बार 110 का कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, वैल्यू एडिशन केवल 40 का है तो 4, तीसरी बार केवल 35 का वैल्यू एडिशन तो 3.5। सोचना क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें, दोनों चीजें प्रॉब्लम दूर हो गई। पहली प्रॉब्लम, कई बार सेम अमाउंट ऑफ टैक्स अब नहीं जा रहा, दूसरा टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं जा रहा, दोनों प्रॉब्लम आपकी। तो इसी को हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडिशन। तो सर आप डायरेक्ट कर लेते ना, आप अरे हम लोग को तो अब आ गए ना, डायरेक्ट कर लेते आप। बेटा ये क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करवाया गया क्योंकि टैक्स रेट 10-10-10 था, मान लो इसके ऊपर 10, इसके ऊपर 12 और इसके ऊपर 11 होता, तब क्या करते, तब तो दांत दिखा देते, नहीं समझे। टैक्स रेट चूंकि एक था इसलिए मैच कर रहा है, लेकिन टैक्स रेट अगर हर एक बंदे के ऊपर अलग अलग हो जाए तो टेंशन हो जाएगी, तब आप डायरेक्ट सुन लो पहले, तब कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो उस केस में आपको इसी मेथड को सहारा लेना पड़ेगा। और जानते हो तुम लोगों ने बहुत बड़ा मेथड खत्म कर लिया वैट का, भरोसा नहीं होगा, जिसको हम कहते हैं इनवॉइस मेथड। क्या इनवॉइस मेथड, कौन सा मेथड, ये हम लोग का इनवॉइस मेथड है। फिलहाल अभी मैं मेथड वगैरह के चक्कर में पड़ भी नहीं रहे, हम तो सीधे केवल आज कहानी बता रहे हैं कि वैट है क्या। ये हमारा सेल्स टैक्स का सिस्टम था, ये हमारा वैट का सिस्टम था। भरोसा करो तो वैट चैप्टर खत्म है, अगर वैट खत्म है तो खत्म है, लेकिन अभी भी 2 क्लासेस लगेंगी इसमें, हम लोग देखेंगे 2 क्लासेस में क्या क्या कर सकते हैं, मजा आएगा। समझ में आया, नहीं समझे, वैट बस इतना ही है। अब तुम लोग को पढ़ना है वैट रिटर्न्स क्या होती है, वैट के मेथड्स क्या होते हैं, वैट के वेरिएंट्स क्या होते हैं, वैट का बेनिफिट एडवांटेज क्या है, वैट का डिसएडवांटेजेस क्या है, किस स्टेट ने कब एप्लीकेबल किया क्या नहीं किया, वैट रिटर्न्स कब कब भरी जाती हैं, डेट्स क्या होती हैं, बस यही सब पढ़ना है, बाकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में करने हैं। नहीं समझे, ये समझ में आया, पक्का ना, नोट कर लो। चलो एक नई चीज इसमें स्टडी करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। टोटल गवर्नमेंट को अगर हम बात करें तो कितना टैक्स मिला था सेल्स टैक्स में, अरे कितना, 45। कसम है तुम लोगों को, सच सच बताना, यहां तो 10 पहली बार में मिला था, 4 दूसरी बार में मिला, टोटल कितना मिला, 17.5, कितने का नुकसान हो गया, 26.5 शायद, कितना आ रहा है,
मारो बोली 27 से 28 जो रुपए नुकसान हुआ, 36.5। अरे कितना नुकसान आ रहा है बता दो, 26.5 होगा, कितना? 27.5 का नुकसान हुआ किसको? गवर्नमेंट को। किस चीज का नुकसान हुआ? 27 रुपए का नुकसान हुआ। पहले जिस चीज पर 45 रुपए गवर्नमेंट की रेवेन्यू थी, अब कितना कमा रही है? 17। अब गवर्नमेंट कहेगी देखो अब गवर्नमेंट कॉलेज हम बंद कर रहे हैं भाई टैक्स मेरा कम हो गया, कमाई कम हो गई तो खर्चा भी कम करेंगे, बॉर्डर से पाकिस्तान के बॉर्डर से आर्मी हटा दे रहे हैं हाँ बताओ क्या करेगी गवर्नमेंट? अपनी रेवेन्यू को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। हाँ जितना गवर्नमेंट को पहले मिलता था गवर्नमेंट कोशिश, भाई तुम उतना दे रहे थे आज तक, तुम पेन 5 रुपए की दे रही हो, अब कल से कहोगे अच्छा 4 रुपए की हो गई। अरे गवर्नमेंट का तो प्रॉफिट मारा गया, तुम्हारा दिमाग तो सेट था 5 रुपए पर, तुम्हारा दिमाग कितने पर सेट था? तुम देने को तैयार हो 5 रुपए, क्योंकि आज तक देती आ रही हो या देते आ रहे हो तुम, नहीं अचानक कम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट ने कहा हम अब जो टैक्स रेट बनाएंगे कुछ इस तरह से बनाएंगे कि हमें 45 पूरा मिल जाए, नहीं घूम फिर करके नहीं, पर्पज यहां टैक्स रेट को कम करना नहीं था, मैं बस वही मुंह से निकालना चाहता था जो तुमने मुंह से निकाल दिया। यहां नए एक्ट को लाने का पर्पज टैक्स रेट्स में कमी करना नहीं था, उसको सिंप्लीफाइड और सिस्टमैटिक बनाना था। अब क्लियर है? तो सिंप्लीफाइड और सिस्टमैटिक बनाने में हमने कुछ चीजें बदल दी, टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगे और कई बार टैक्स ना लगे, सेम अमाउंट ऑफ टैक्स बार बार ना पेमेंट करना पड़े। हाँ अब रेट बढ़ा दिया तो क्या बुराई हो गई, तुमको तो पता भी ना चला कि जितना पहले हम पे कर रहे थे उतना आज भी पे कर रहे हैं। पेन जो तुम लोग पहले 10 रुपए के खरीदते थे आज भी 10 रुपए में खरीद रहे हो, वैट के पहले और वैट के बाद, तो दिक्कत क्या है? गवर्नमेंट ने अपना टैक्स वसूल लिया इस टैक्स रेट को बढ़ा करके, जिसको हम कहते हैं टैक्स न्यूट्रलाइजेशन रेट। टैक्स न्यूट्रलाइजेशन रेट यानी गवर्नमेंट ने इस चीज का बेनिफिट उठाया और अपने टैक्स रेट को इतना बढ़ा दिया कि आपको 45 रुपए ही जेब से जाएंगे, 44 हो 45 हो या 46 हो नियर अबाउट आपको पता भी ना चले, और गवर्नमेंट की रेवेन्यू क्या रहे? मेंटेन रहे। अब क्लियर है? ये एक नई चीज आई, समझ में आई, हटा सकते हैं इसको। क्वेश्चन दें, करोगे तुरंत?
यहां सेल्स टैक्स की बात हो रही है, वैट की बात नहीं हो रही। इस चीज को दिमाग में बैठा लेना, बनाओ स्टेटमेंट और हमें दिखाओ। सॉल्यूशन है, ध्यान देना, ये सेल्स टैक्स के बेसिस पर है, पक्का ना? हम बात करेंगे तीन लोगों की। कौन कौन है वो तीन लोग? मैन्युफैक्चरर, हाँ, होलसेलर एंड रिटेलर। परचेज एंड कॉस्ट कितना था? 5 लाख प्लस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 20% है, बोलते क्यों नहीं? सेल्स प्राइस कितना आ गया? प्लस सेल्स टैक्स 15%, हाउ मच? 15%। हमें नहीं लगता अब इन्वॉइस प्राइस को लेकर के तुम लोगों में कोई कंफ्यूजन होगा कि सेल्स प्राइस कौन सी होती है और इन्वॉइस प्राइस क्या होती है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? इनवॉइस प्राइस यहां कॉस्ट बन जाएगी। चलो, इसने कितनी कॉस्ट इंट्रोड्यूस की और प्रॉफिट टोटल कितना हो गया और 20% है, इतना आ रहा है। इसके लिए कॉस्ट कितनी हो गई? कॉस्ट कितना इसने इंट्रोड्यूस किया है और प्रॉफिट टोटल कितना हो गया? टैक्स रेट कितना है? 15%। कितना आ जाएगा? 1,75,000। टोटल कितना हो गया? 13,45,000। बताओ टैक्स टू पे कितना होगा यहाँ पर? 90,000। यहाँ पे 1,75,000। और यहाँ पे टोटल कितना आ गया? 4,35,000। इसी क्वेश्चन को अगर हम वैट सिस्टम पर अप्लाई करें तो तुम लोग देखना चाहोगे क्या होता है? देख लिया, बोल कितना आएगा परचेस? 5 लाख प्लस कॉस्ट कुछ नहीं दिया है फिलहाल, प्लस प्रॉफिट दिया है, क्या आ गया ये? सेल्स प्राइस प्लस वैट कर देते हैं, वैट रेट कितना है? 15%। टोटल कितना हो गया? इसको कौन सी वैल्यू बोलते हैं? बताओ होलसेलर के लिए कितना लिखे? 6 लाख प्लस 90,000, थोड़ा साइड में लिख दें, हाँ या ना? सुनना सुनना, इसके लिए होलसेलर के लिए इनपुट है, होलसेलर के लिए इनपुट है क्योंकि उसने सामान खरीदा है, और इनपुट पर जो टैक्स दिया है उस टैक्स को हम कहते हैं इनपुट टैक्स। कोई दिक्कत है? हमने इनपुट दिया,
और उस इनपुट पर टैक्स दिया, क्या नाम दे दें इसको? कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, इसको हम बोलेंगे इनपुट टैक्स, हाँ या ना? देखो टर्मिनोलॉजी है, खत्म होती जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। अब क्या करें, कॉस्ट जोड़ दें, कितनी और 760 20% कितना होता है, टोटल कितना हो गया, पक्का ना? अब जरा देखो टोटल लाइबिलिटी कितनी थी इस केस में, 90,000, और पेड कितनी हो गई, 90,000, तो नेट लाइबिलिटी कितनी बची, जीरो, हाँ या ना, जीरो। अगर हम इसकी बात करें तो टोटल लाइबिलिटी कितनी है, 152, इसको माइनस कर देना, माइनस कर दें, माइनस कर दें, माइनस कर दें। जब लिया था तो इसको नाम दिया इनपुट टैक्स, और जब हम इसकी क्रेडिट ले रहे हैं तो क्या नाम देंगे, इनपुट क्रेडिट नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं, देखो ना नाम अपने आप आ गया, इसकी हम क्या ले रहे हैं, क्रेडिट। तो जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं, इनपुट टैक्स की क्रेडिट लेते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्लियर है? अच्छा, कितनी की क्रेडिट ले लें, कितना टैक्स आया, यहाँ बताओ कितना ले लें, 760 अलग कर लें, 760,000 अलग कर लें, और अलग कितना कर लें टैक्स, 1,52,000 बताओ, अमाउंट 50,000 और 1,00,000, 9,00,000, हाँ कितना, हाँ ठीक है ना, बताओ मैं टोटल टैक्स कितना देना था और कितना दे चुके हैं, उड़ी बाबा, हमें सरकार को देना है 1,36,500, ऑलरेडी वी हैड पेड 1,52,000, तो कितना बच गया मेरे पास, 15,500 अवेलेबल इनपुट टैक्स, हाँ या ना, टू गेट क्रेडिट। फ्यूचर में मान लो दूसरा माल बेचेंगे ना, वहां से माइनस कर देंगे, नहीं समझ मेरी बात, ये एक्सेस हमने पेमेंट कर दिया, सोचो अब हमें 1 रुपया भी सरकार को पेमेंट करने की जरूरत, इन टोटालिटी वी आर नीडेड टू पे 1,36,500, बट एक्चुअली ऑलरेडी वी हैड पेड 1,50,000 इन टोटालिटी, देख रहे हो ना, कितना पे कर दियो, 1,52,000, इसको अब हमें पेमेंट करने की जरूरत नहीं, उल्टा अभी गवर्नमेंट से कहेंगे 15,500 लाओ, तो गवर्नमेंट कहेगी हमसे पैसा मत मांगो ना, अगली बार जब सेल कर रहा है ना वहां से माइनस कर लेना, इसको हम कहते हैं अवेलेबल टैक्स क्रेडिट, क्लियर, अनअवेल्ड, अनअवेल्ड अमाउंट ऑफ क्रेडिट, फिर टर्मिनोलॉजी धीरे धीरे क्लियर होगी। इसको अब हम नाम दे सकते हैं वैट रिसीवेबल, क्या नाम दे सकते हैं, ये मेरी एसेट हो गई ना, एसेट हो गई ना, एसेट साइड में क्या लिखते हैं, रिसीवेबल या पेबल, तो वैट रिसीवेबल, और जो हमें टोटल टैक्स देना है, टोटल टैक्स, उसको हम वैट पेबल बोल सकते हैं, नहीं, और वैट रिसीवेबल की क्रेडिट ले सकते हैं, जिसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं। अब नाम अलग अलग होंगे, कभी हम वैट क्रेडिट बोलेंगे, कभी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलेंगे, कभी हम वैट बोलेंगे, कभी वैट रिसीवेबल बोलेंगे, सोचने और बोलने में फर्क हो सकता है, लेकिन मतलब सबके क्लियर है, पक्की बात है, नोट करना है, ये नहीं हुआ है तो इसको नोट कर लो, और तुम लोग का वैट चैप्टर में बार बार बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं बचा, केवल हमको अब थ्योरी पढ़नी है, न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस करनी है, मेथड्स जानने हैं, वेरिएंट्स जानने हैं, दैट्स इट, थैंक यू बच्चों। बच्चे ने एक बहुत ही घटिया क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बता दिया था, इसने कहा सर अगर हम वैल्यू एडिशन ऐड कर ले रहे हैं, कितना है वैल्यू एडिशन, 1,50,000, 1,50,000 का 20% कितना होता है, 30,000,
लेकिन यहां पर उल्टा पे ना करके हम रिसीव कर रहे हैं, क्यों? रेट अलग अलग है, कॉमन सेंस। मैंने कहा ना कि वो क्वेश्चन मैंने इसलिए समझाया था, तीनों पर 10% था, तीनों पर, दैट्स व्हाई द आंसर वाज सेम। लेकिन यहाँ टैक्स रेट्स अलग अलग है, बहुत बढ़िया। मछली तो पहले ताली हो जाए, बनता है। भावना नंबर टू के लिए था, बहुत बढ़िया। टैक्स रेट्स अलग अलग है, जब टैक्स रेट्स होंगे तब आप मैच क्यों करोगे? और सुनो, यही सबसे बड़ी खास बात है इनवॉइस मैथड की, और यही सबसे बड़ी डीमेरिट है जो तुमने बोला बाकी मैथड्स की, जो हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मैथड्स के बारे में, एडिशन मैथड, सब्सट्रैक्शन मैथड एंड इनवॉइस मैथड। जब हम ये तीन मैथड बताएंगे उसमें कौन सा एक मैथड रहेगा? इनवॉइस मैथड। और यही है, पढ़ चुके, अलग से टेंशन लेने की थी मैथड में पढ़ दी, दिस इज योर इनवॉइस मैथड। और मैं उस समय बताऊंगा क्यों इनवॉइस मैथड बेटर है एडिशन और सब्सट्रैक्शन मैथड से। यही एक खामी है जो तुम बोल रहे हो ना कि सर 1.50 को सीधे 20%, इसको हम कहते हैं एडिशन मैथड। जोड़ लिया 20%, निकाल लिया तो दो ना सरकार को, सरकार मना थोड़ी करेगी तुमको। बात समझना, ये बहुत बड़ी कमी है, समझ में आई? तो वो चीज तुम लोग डिस्कस करोगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, लास्ट टाइम। थैंक यू बच्चों, फिर से।